सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मां प्रमाण गागरे विचार उपस्थापन करिवा पूर्वरु समग्र जगतर नियंता सृष्टिकर्ता संहारकर्ता पालनकर्ता अजर अमर नित्य शाश्वत सर्वव्यापक सर्वांतर जामिनी परमपिता परमेश्वर को मोर भक्ति श्रद्धा और नमन अर्पण करुछि। जो प्रभुंकर असीम करुणारु मानव श्रेणी जन्म ग्रहण करी विचार पूर्वक कर्म रे प्रवेश करिवार अधिकार लाभ करिछि से प्रभुंक प्रति मोर नमन वंदन ओ अभिनंदन। आर्यावर्तर समस्त ऋषिवृंद को वेदोद्धारक महर्षि दयानंद को मोर पूज्य गुरु स्वामी प्रणवानंद सरस्वती चरण कमल मोर श्रद्धा भक्ति नमन अर्पण कर। आज विषय हूँ जीवन गठन सत्संग आम बर्तमान कौन कर सत्संग बस सत्संग बोले ये बुझीचु जो सदविचार आलोचना हुए जो ज्ञानी गुणी मान कि कथा कहते जो शास्त्र कथा कि आलोचना हुए ज्ञानी लोक मैंने कहते आम शुणु गोटे सत्संग कहते सत्संग बुझे चाणक्य कहले सत्संग द्वारा खराब लोक भल हुए सत्संगात भवती ही साधुता खला नाम सत्संग द्वारा साधुता खल लोक मान हुए खल लोक मान दुर्जन लोक हुए किंतु सज्जन माने केबे खळ होंते नै सत्संग द्वारा कोन देखि भल लोगडा खराब हि आया सत्संग करथु लोग बेळे बेळे से खराब हि जे माने सिमेंट गाय रे खेर दउथले कोन कोन करथले ओडवार पडिये जे कोन कथा बुझछथि एन सेमानक भितरे विचार बदलि जाइछ किंतु सत्संग सुनुथिबा लोक जो माने सत आधार रे जीवन गठन करिया को चाहिबे सेमानकर के परिवर्तन होए से गो उदाहरण देले सत्संगात भवती ही साधुता खलानम नहि खल संगतः आकुसुम भव आमोदम मृदे पधत्ते मृदगंधम नहि कुसुमानि धारयन्ति। माटीरु चंपा गच्छ हुए ना चंपा फूल माटी रे जेते बले पड़े आपण देखिबे से माटी को जदि आपण नाक पाखु नेबे सुंघिबे ताले सेतिरे मध्ये आपणको सुगंध मिलिबो किंतु माटीरु होतिबा चंपा गच्छरे केबे माटी गंध पाइछन्ति सत्संग पर जी लोक बदल जीव मु भावुची से केवल शुणा को आसी आउ किसी करिवाको आसी कथा को शुणी जदि काम लगेले जीवन बदल जीव। हाँ बहुत लोग बर्तमान कहते समस्ते निराश बर्तमान जे लोके शुणी किसी काम लगौना प्राय लोक अभियोग ना हाँ आज्ञा शुणु जब कि होत पर होने मुझे एकमत यहाँ मोर व्यक्तिगत मत हो पाए शुणी की शुणी लोक प्रभावित हो ना आया देखिए प्रभावित कमी हे मुझे कह आपण भाया खराब लोक कई ना बर्तन रागे ना कथार कमी प्रभावित हो ना मत कह मुझे कहे आपण भाया खराब लोक ना आप क्रोधान्वित होते आपन को जो भल हबार उपाय कह कौन चिंता कर
कथार प्रभाव पड़ुछि किंतु आमे कथा को विचार कर मु बेले बेले कहे आज्ञा संसार रे बहुत सब प्रूफ अच्छे वाटर प्रूफ फायर प्रूफ अच्छे ना वाटर प्रूफ घड़ी अच्छे ना पाल पकड़े ता भितर पानी पशिबनी फायर प्रूफ अच्छे निया भितर से पड़बनी सेमती आजिकल लोक गुड़ाक बहुत लोक अधिकांश लोक सत्संग प्रूफ ना कौन शुणी किसी काम लगे सब झाड़ झुड़ दे पड़े किए भल कथा गुटा घर को नहीं जीव एटा जीवन आज्ञा जीवन हूँ एक शब्द सम्यक सुप्रयुक्त जीवन रे गोटे शब्द जदि जीवन आपण प्रयोग करिवे स्वर्गे लोके कामधुक भवति स्वर्ग लोक माने सुखर गंताघर भितरे जीवन चलजे आपण कर जीवन जीवन रे दुखर लेस मात्र बळिबो सत्संग एपरि एक जनि सेतिबे बहु साधु संत लिखछन्ति आचार्य शंकर खेणमि हसज्जन संगति रे का भवति भवानव तरणे लोके शब्द सुनिछन्ति आपण रामचरित मानस रे संत तुलसीदास लिखिले बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई भगवान को कृपा न होले सत्संग मिले आचार्य शंकर कहिले दुर्लभम त्रयम एवेतत् तीनटी जिनस अत्यंत दुर्लभ दैवानुग्रह हेतुकम भगवान कर कृपा हेले अंतत पक्षे पूर्वजन्म कर्म रे किछि उदय थिले आपण सत्संग पा तीन टी जिन भर सत्संग कहले कह मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संशय मनुष्य जन्म पाइबा दुर्लभ मुक्ति पाई इच्छा हवा दुर्लभ एवं से सत्संग प्रति आग्रह सृष्टि दुर्लभ आज सत्संग ना बहुत कथा हो प्रथम दिन जो आज्ञा सन्ध्या गत काली सन्ध्या कहते भारी बड़ भल कथा कहे विचार कल से कह सत्संग गोटे मानते पृथक होती विचार कथ क आप मैंने शुणी कि मुझे पचर चिंतन चल आप विचार पर दि जाऊँ सत्य हेले ग्रहण करतु असत्य हेले परित्याग कर जोर जबरदस्त आप ग्रहण करने बाध्य करके प्रलोभन दौनि यहीटा करदे ये फल पाइबे आप हरिनाम जपिले मुक्ति पाइबे ये कम करदे आप स्वर्ग को चलिए एपरिक प्रलोभन भी दौनि आप दुईट कथा दिया श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग कह आप जीवन में क्यों मार्ग जी उभय मार्ग सफलता विफलता संपर्क कह जीवन जीवन मनुष्य जन्म बड़ दुर्लभ जन्म संसार दुई प्रकार प्राणी अच्छा शैक्षणिक प्राणी नैसर्गिक प्राणी नैसर्गिक प्राणी मान जो मान बिना शिक्षा से जीवन चला पशु मान संतान जन्म हेले कौटि ट्रेनिंग न नहीं जीवन निर्वाह कर प्रशिक्षण भी आवश्यकता ना माकड़ को कौटी ट्रेनिंग दे गच चढ़ा शिखा जाए शिखा जाए माँ सागर चढ़ु चढ़ु शिखि जाए गाईर पिला को केवे प्रशिक्षण दि जाए कहुए जे मार खाद्य खाइब चिंतन कर गाई को केवे पहरा शिखा जाए मयूर पुच्छ खोलने ट्रेनिंग दि जाए ये आप कोईली को सुंदर शब्द करने कौट प्रशिक्षण दि जाए किंतु मनुष्य सबुठार श्रेष्ठ प्राणी बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ ग्रंथ न गा संत तुलसीदास कहले भगवत्कार कहले दुर्लभ नर कले वर नरक निस्तारण द्वार अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म रवि तले बड़ दुर्लभ जन्म आया भगवान एपरी जन्म समस्त को देना चिंतन कर मनुष्य हूँ शैक्षणिक प्राणी बिना शिक्षा किसी जापर ना राति अधरे गाईर पिला जन्म हेले प्रात काल रे मालिक जानि नथिले सदा गाई स्वयं उठी मार खाद्य खाऊ देखिथे गोपालन कर मनुष्य संतान जन्म हेले सेविका भाई किंबा परिवार लोक जदि सहयोग न करिवे से मृत्युबरण कर बंची पारिबनि परमात्मा एते पशु एते परम खापेक्षी मनुष्य को पशु मानक स्वावलंबी कर कारण मनुष्य ही समग्र विश्व को परिचालना कर पशु पक्षी कीट पतंग आरंभ कर सारा सृष्टि परिचालना भार क्या दिखाई से मनुष्य ही कर समस्त सृष्टि नियंत्रण से ही कर मनुष्य को शिक्षा दि जाए शैक्षणिक प्राणी माँ शिखे बापा शिखे आचार्य शिखे अतिथि शिखे तापर समाज शिक्षा नब बहु शिक्षा पाइबार अच्छे से सत लोक सहित संग आवश्यक
मनुष्य जेतले सत्संग न करिवो से भलमंद जानि परिवो सेति पई आगो जुगरे पिला जेतले विद्यालय को जाउथिला गुरुकुल को जाउथिला गुरु ताको पाठ पढौथिले कोन पढौथिले सत्यम वद धर्मम चर विद्यया मा प्रमदितव्यम प्रथम पाठ थिला सत्य कुह धर्म आचरण कर वर्तमान औषधि को जेटा धर्म विषय न वर्तमान धर्म आचरण करिया विषय ना केवल पढिया विषय धर्म के आचरण करछ ना पढुछ वो तो बुद्धि जदि पढ देने 10टा श्लोक पढ देने धर्म हो उठी विचार करंतु